देश में कोरोना तेजी से फैलने लगा है। तीसरी लहर की इस बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लोगों में डर है और शासन प्रशासन सख्त हो गए हैं। हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए दतिया में जिला प्रशासन ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ पुलिस अमले के साथ सड़कों पर उतरे और मास्क ना लगाने वाले राहगीरों और दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की समझाइश दी। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने मास्क लगाकर जा रहे बच्चों की सराहना की और साथ ही उन्हें पेन भी गिफ्ट किए। रोको टोको अभियान के तहत दतिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शहर का भ्रमण कर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोक कर उन्हें मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही बिना मास्क वाले लोगों को मास्क भी बांट रहे हैं। इसके अलावा नगर पालिका के अमले ने बिना मास्क वालों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया। इस अभियान के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम जनता को हिदायत दी गई। उन्होंने नागरिकों से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। पूरा देश कोरोना के तीसरे वेव से गुजर रहा है। दतिया जिले में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और इस संक्रमण की गति को कम करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कुछ जो प्रोटोकॉल हैं जो हमारे व्यवहार में बताए गए हैं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, घर से बाहर निकले मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ को सैनिटाइज करना, हाथ को बार बार धोना, ये सब जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए ख़ास तौर से जो मास्क नहीं लगाने की जो लोगों की आदत है उसको बदलने के लिए हमारी रोको टोको का जो टीम है वो लगातार शहर के विभिन्न भागों में काम करता है, और उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए लोगों को ये बताने के लिए कि ये मुहिम जो है वो बहुत ज़रूरी मुहिम है और ये बहुत ही ज़रूरी लोग हैं। कई लोग इनसे बेवजह बहस करते हैं और पैसा नहीं देना चाहते, मास्क नहीं लगाना चाहते, उनको बताने के लिए कि ये मुहिम सख्ती से चलता रहेगा और जिले में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने का सबसे कारगर उपाय यही है। केवल मास्क लगाने से एक गणना के मुताबिक 80% हमारी बचत हो जाती है, संक्रमित होने की संभावना खत्म हो जाती है। लॉकडाउन की नौबत ना आए यही हम सबका प्रयास है और यही शासन की सोच है। लॉकडाउन जो है कोई लाभ का विषय नहीं है, बहुत हानि होता है, सबका हानि होता है। सरकार नहीं चाहती कि लॉकडाउन को नौबत आए, इसलिए लोग दूसरे जो उपाय हैं मास्क लगाएं, संक्रमण को नियंत्रित रखें, लॉकडाउन को नौबत शायद नहीं आए। आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, CEO कमलेश भार्गव, अन्य अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। समाचार प्लस के लिए दतिया से रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट।